हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ रतनगढ़, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं एक बड़े से ग्रुप के साथ आई हूँ जिसका नाम है ट्रेक्स एंड ट्रेल्स। तो चलिए मेरे साथ आज रतनगढ़ की सफ़र पर और मैं आपको दिखाऊँगी हमने आज यहाँ पर कितनी मस्ती की। चलिए गाइज, ये मेरा पहला सोलो ट्रेक है या फिर मेरा पहला सोलो ट्रिप भी है, सो आई एम एन्जॉइंग इट। लेकिन अभी आपको दिखेगा कि मैं सेल्फी वीडियो ज़्यादा ले रही हूँ, और इसके पहले मैंने ऐसा कभी किया है नहीं, लेकिन अभी हमारे पास गोप्रो भी है तो मैं सेल्फी वीडियो ज़्यादा लूँगी और आपको दिखाऊँगी। अभी यहाँ से थोड़ा डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट होगा, तो हम लोग यहाँ से ये छोटा सा रिवर क्रॉस करके जाएंगे। अभी तक हमारा 1/4 ट्रेक भी नहीं हुआ है। आपको जो मेरे पीछे माउंटेंस दिख रहे हैं उनके पीछे रतनगढ़ है, और ये सारे माउंटेंस का जो टॉप है वो क्लाउड्स के अंदर ढक गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे रतनगढ़। चलिए अभी मैंने एक वाटरफॉल क्रॉस किया है, और आपको यहाँ ऐसे बहुत छोटी छोटी झरने दिखेंगे, वाटरफॉल्स दिखेंगे, जिनको क्रॉस करके आपको आगे जाना होगा। तो अपने शूज़ की फिक्र मत कीजिए, बस एंजॉय कीजिए और ऐसे मोमेंट्स का आनंद लीजिए। अभी यहाँ से थोड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है, तो अभी थोड़ी हमारी सांस फूलना शुरू हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एकदम 90 डिग्री टाइप चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो चलिए अभी यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता मेरे पीछे से जाता है, वो जाता है रतनगढ़ के लिए, और जो राइट हैंड साइड से जाता है वो जाता है हरिश्चंद्रगढ़। यहाँ आप रास्ते देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है और पूरे बादल नीचे आ गए हैं। तो अभी हम यहाँ सब बैठकर थोड़े टाइम एंजॉय करेंगे। See?
अभी हम यहाँ से जाएंगे। रतनगढ़ महाराष्ट्र के रतनवाड़ी गांव में है। रतनवाड़ी अहमदनगर में आता है। ये किला बहुत पुराना है। 400 साल पुराना यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के समय उपयोग में लाया था। इस किले की हाइट 4,250 फीट है। उसी के साथ यहाँ जाने के लिए हमें चार डोर्स है, यानी कि चार प्रवेश द्वार है। वो है गणेश द्वार, हनुमान द्वार, कोकण द्वार और त्र्यंबक द्वार। तो ये बहुत ही भव्य किला है और अभी हम यहाँ जा रहे हैं। उसी के साथ ये फोर्ट जो है वो ट्रेकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर लैडर्स है, यानी कि सीढ़ियाँ है, तो आपको यहाँ बहुत आराम से जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ शूट नहीं करूँगी, आपको बस ये सीढ़ियाँ नीचे से ही दिखाऊँगी। चलिए। अभी हम यहाँ टॉप पे पहुँच गए हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है। और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, कितना प्यारा और कितना सुहाना है। और हम सब यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पूरा फॉग है और बादल पूरे नीचे आ चुके हैं। लेकिन आपको लाइफ में एक बार इस ट्रैक को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको यहाँ मत लेके आइए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप अगर यंगस्टर हो और आपको ट्रैक करना पसंद है तो आपको यहाँ ज़रूर ज़रूर आना चाहिए, और मानसून में ही आना चाहिए। तो अभी हम इस फोर्ट पे पहुंच गए हैं। ये यहाँ का एंड पॉइंट है, ये रतनगढ़ का फोर्ट है। और आप देख रहे हैं बहुत बारिश आ रही है और हम लोग बस अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको अच्छे ग्रिप के शूज़ ही पहनने हैं। और यहाँ पे जो लैडर्स है, जो सीढ़ियाँ है, वो चढ़ते समय डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने हाथ जो है वो फ्री रखने हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। Thank you.
भवानी। अगले ब्लॉग में अगले डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।